हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का जीएस भाई पंकज यूट्यूब चैनल पे। और हम स्टार्ट कर रहे थे यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए जो हमारी सेशन चल रहा था कंप्यूटर क्लास का, उसी के क्रम में ये क्लास आपकी जो है यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर एएसआई लिपके संवर्ग और यूपी जूनियर असिस्टेंट, साथ ही साथ आपके कंप्यूटर में जितने भी एग्जाम में आते हैं सभी के लिए उपयोगी है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? विंडोज 8। दिए गए विकल्पों में से विषम को ज्ञात कीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम, जो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो पास्कल जो है कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है इसमें, ठीक है ना, इस पर ध्यान देना, नहीं पे गलत क्वेश्चन को गलत करा देता है। नहीं पूछा है तो पास्कल नहीं है, बाकी यूनिक्स लिनिक्स और वेयर धातुआ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर संकल्पना है? प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का संकल्पना है। इनमें से कौन सा एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम प्रचालन तंत्र का उदाहरण है? तो फेडोरा। एंड्रॉयड है ऑपरेटिंग सिस्टम जो एंड्रॉयड है इसमें। और निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? तो डॉस। एंड्रॉयड 12 सिविलियंस मोबाइल्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि डॉस एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड का स्वामित्व किसके पास है? तो गूगल के पास। गूगल ने इसको 2005 में खरीदा था। इसमें से जो है सही कथन को छांटना है। तो वायरस ट्रोजन्स और कुंजी लॉगर उपयोगिता सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। विंडोज और लिनक्स सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। तो फर्स्ट जो है इसमें गलत है और सेकंड जो है सही है। वायरस ट्रोजन्स और की लॉगर एक नुकसानदायक वायरस के समूह हैं जो कि आपके सिस्टम को हानि पहुंचाते हैं। विंडोज और लिनक्स एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है और सिस्टम सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि अन्य सॉफ्टवेयर को एक प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड की जो है ओएस 2007 में किस कंपनी ने विकसित किया था? सही आंसर है ऑप्शन ए, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने। वह सॉफ्टवेयर जो उस तरीके को नियंत्रित करता है जिससे कंप्यूटर सिस्टम काम करता है और ऐसे साधन उपलब्ध कराता है जिसके द्वारा प्रयोक्ता कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, कहलाता है। ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रयोक्ता के प्रोग्राम्स और हार्डवेयर्स के बीच निम्नलिखित में से मध्यस्थ यानी कि मीडिएटर के रूप में कौन कार्य करता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रचालन तंत्र द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा से कार्य किया जाता है या किए जाते हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव यानी कि सभी, ऑल ऑफ दीज। क्या क्या है? प्रक्रम प्रबंधन, सुरक्षा प्रबंधन और फाइल प्रबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे सामान्य सिस्टम सॉफ्टवेयर है? ऑप्शन बी ओएस। ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस एक सामान्य सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यह प्रयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच एक कड़ी का कार्य करता है। निम्नलिखित में से स्थायी डाटा होता है और ट्रांजेक्शनों की प्रोसेसिंग के दौरान अपडेट हो जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल। जब कंप्यूटर ऑन करते हैं तो बूट रूटीन यह टेस्ट करता है। ऑप्शन डी, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट का। पर्सनल कंप्यूटर के मूलभूत इनपुट आउटपुट सिस्टम यानी कि बॉस को निम्न में से कहाँ संचित करते हैं? ऑप्शन बी हो जाएगा, रोम चिप्स में। तब होता है जब क्या? रिक्त स्थान। तब होता है जब ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोड होता है। क्या होता है? ऑप्शन सी, बूटिंग। जब कंप्यूटर ऑन हो तो बूटिंग प्रक्रिया करती है। ऑप्शन बी, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जब बिजली चालू हो जाती है तो नियंत्रण लेता है और स्वयं परीक्षण पर शक्ति देता है। रिक्त स्थान में क्या आएगा? ऑप्शन ए, BIOS। BIOS का कार्य क्या कार्य है? ऑप्शन ए, सिस्टम हार्डवेयर के पुर्जों को प्रारंभ करना। BIOS का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन बी, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। सिस्टम को बूट करने का क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए, ऑपरेटिंग सिस्टम का लोड करना। जब कंप्यूटर स्टार्ट किया जाता है तो सीपीयू और वायोस मिलकर कंप्यूटर को स्कैन करते हैं, जिसमें कि कंप्यूटर यह पता करता है कि मदरबोर्ड से कौन कौन से उपकरण जुड़े हैं। यह प्रक्रिया पोस्ट कहलाती है। इसके बाद वायोस बूटिंग डिवाइस को सर्च करता है। जब बूटिंग फाइल्स मिल जाती है तो उसी से कंप्यूटर बूट करा देते हैं और कंप्यूटर जो है विंडो की लोडिंग शुरू हो जाती है। कौन सी क्वालिटी यानी कि वॉइस का सर्वोत्तम परिभाषित करता है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन जो है सी, फर्मवेयर। बॉस का पूर्ण रूप बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है या फर्मवेयर का एक प्रकार है। बॉस को पीसी के ऑपरेटिंग सिस्टम का एक हिस्सा है जिसके इसमें संग्रहित है। ऑप्शन डी, रोम में।
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर बूटिंग प्रक्रिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है? सही आंसर ऑप्शन ए, ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क से मुख्य मेमोरी में जो लाना और कंप्यूटर का उपयोगकर्ता के प्रोग्राम्स को निष्पादित करने में तैयार करना। इस प्रकार जो ऑप्शन ए सही विकल्प है। नेक्स्ट है, पोस्ट का पूरा रूप क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जब आप कंप्यूटर बूट करते हैं तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क में रैम में काफ़ी जो है कॉपी किया जाता है। नेक्स्ट है, बूटिंग इज ए टर्म यूज टू डोनेट, यानी कि बूटिंग एक टर्म है जो कि प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग होता है। किसका? ऑप्शन बी, लोडिंग ऑफ द ओएस प्रोग्राम्स ऑफ द प्रोग्राम्स फ्रॉम द टास्क डैश टू मेमोरी। एक मिनट, बूटिंग कंप्यूटर सिस्टम की वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? ऑप्शन ए, यानी कि हार्ड डिस्क में मुख्य मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम को लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कंप्यूटर स्विच ऑन किया जाता है तो तथा ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क में मेन मेमोरी में लोड होता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, बूटिंग। वह सही विकल्प ज्ञात करें जो बूटिंग के समय स्वचालित रूप से स्थापित होने के लिए लिनक्स संचिका प्रणालियों से युक्त संचिका फाइल्स दर्शाता है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन जो है सी, ATC एंड फास्ट टैब, यानी कि कॉन्फिग्रेशंस फाइल्स में बढ़ते हुए विभाजन प्रक्रिया को स्वचालित करने के लिए आवश्यक जानकारी शामिल है। कंप्यूटर में क्या आवश्यक होना चाहिए कि बूट हो सके? ऑप्शन सी, ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर के घटक उचित रूप से जोड़े गए हैं तथा कार्यरत हैं, इसे सुनिश्चित करने वाली कौन सी जांच प्रक्रिया है? ऑप्शन ए, बूटिंग। पीसी के छोटे प्रारंभिक प्रोग्राम्स को कहते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा, बूट प्रोग्राम्स। वह कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो डिवाइस में स्वतः पूर्ण है और रोम में रहता है? ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। वह कौन सा प्रोग्राम है जो प्रोग्रामों को मेमोरी में रखता है और उन्हें निष्पादित करने के लिए तैयार करता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, लोडर। विषम की पहचान करें, ऑप्शन बी, ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें जो विषम है, यानी कि इंटरप्रेटर, कंपाइलर, असेंबलर, ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर हैं, जबकि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे कहते हैं, ऑप्शन डी, पैरेलल प्रोसेसिंग। दो या अधिक प्रोसेसर द्वारा दो या अधिक प्रोग्राम्स का साथ साथ प्रोसेसिंग कहलाता है। ऑप्शन डी, मल्टी प्रोसेसिंग। सिस्टमों पर एक से अधिक प्रक्रिया साथ साथ चलाने को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, मल्टी प्रोसेसिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम के किस वर्ग में हार्डवेयर एक से अधिक प्रोसेस रखता है? ऑप्शन डी, बी हो जाएगा इसका, मल्टी प्रोसेसर। एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने की ओएस की क्षमता को कहते हैं? ऑप्शन ए, मल्टी टास्किंग। मल्टी टास्किंग प्रणाली विशेष रूप से किसे संदर्भित करती है? ऑप्शन बी, एक से अधिक प्रक्रिया को। निम्नलिखित में से किस किस्म के प्रचालन तंत्र में कई प्रयोक्ता एक समय के साथ कार्य कर सकते हैं? ऑप्शन बी, मल्टी यूजर प्रचालन तंत्र। एक टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग प्रणाली का प्राथमिक उद्देश्य है? ऑप्शन बी, कंप्यूटर के प्रति उपभोक्ता को द्रुत प्रतिक्रिया उपलब्ध कराना। लिनक्स में एक नई निर्देशिका डायरेक्टरी बनाने के लिए कौन सी कमांड का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन बी, मैक डायर का। लिनक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर है? ऑप्शन डी, ओपन सोर्स। इनमें से कौन एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑप्शन डी, DNX। निम्नलिखित में से प्रचालन प्रणाली कौन सी है? ऑप्शन डी, लिनक्स। निम्नलिखित में कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? लिनक्स। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस है। ऑप्शन डी, ओपन सोर्स। लिनक्स एक पोर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम है। निम्न में से कौन सा लिनक्स की पोर्टेबिलिटी सुविधा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन ए हो जाएगा, लिनक्स विभिन्न प्रकार के हार्डवेयर पर काम कर सकता है। लिनक्स का एक उदाहरण है। ऑप्शन बी, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। आज की जो क्लास में यहीं तक कंप्लीट करते हैं। आप लोग इसको वॉच कीजिए 1 से 2 बार। थैंक यू।